हेलो एवरीवन, वेलकम टू ससीज गार्डन। ये है मेरे विंका के प्लांट और आज मैं इनकी कुछ केयर एंड टिप्स आपसे शेयर करूंगी और इनकी मैं कैसे देखभाल करती हूँ, क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ और किस तरह से इन्हें पूरे साल बचा कर रखती हूँ, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मेरे पास हाइब्रिड वैरायटी का है और इसी का दूसरा शेड मेरे पास ये है, डार्क पर्पल कलर का है ये। ये भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये दोनों ही शेड के फ्लावर आपको नर्सरी में और इसके अलावा भी कई शेड में ये आते हैं, आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएंगे, बहुत ही कम रेट पे मिल जाते हैं। या फिर अगर आपको इसकी कहीं पर कटिंग मिल जाती है तो आप इसे लाकर मानसून के सीज़न में भी लगा सकते हैं और ये बहुत आसानी से लग जाती है। आप इसकी लीव्स को देख सकते हैं, सभी लीव्स येलो कलर की हो गई हैं क्योंकि इसे ओवर वाटरिंग ज़रा भी नहीं पसंद है और बारिश में लगातार रखने से ये प्लांट काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, तो इसे ओवर वाटरिंग से बचाएं। इस प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको इसकी समय समय पर प्रूनिंग करते रहना चाहिए, तभी इसमें नई नई ब्रांचेस आएंगी और उन ब्रांचेस से इस तरह से कलियां बनती रहेंगी नई नई और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा ये प्लांट। तो सबसे पहले मैं इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ। इस तरह से आप इसकी कटिंग फेंकें नहीं क्योंकि बारिश का सीज़न है, आप इसे लगा दें किसी भी प्लांटर में, ये सारी कटिंग्स चल जाएंगी और देखिएगा कुछ दिनों बाद ये पौधा कितना घना हो जाएगा। प्रूनिंग के बाद दूसरा स्टेप है, आप इसकी गुड़ाई कर दें। तो इस प्लांट की भी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। और ये सारी कटिंग्स मैं लगा दूंगी, इसकी सारी डेड लीव्स को भी हटा दें, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और इस प्लांट की मैं गुड़ाई कर दूंगी। फर्टिलाइज़र मैं बारिश ख़त्म होने के बाद ही दूंगी इन्हें रिपोर्ट करके। ये मेरे पास देसी वैरायटी का विंका है, सदाबहार भी इसे कहते हैं। तो इसकी प्रूनिंग मैंने की थी कुछ दिनों पहले और आप देखिए कितना घना हो गया है, छोटे से पॉट में लगा हुआ है और कितना घना हो गया है, कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और ये दूसरा वाला मैंने थर्माकोल के पॉट में लगा रखा है, इसकी मैं अभी प्रूनिंग कर दूँगी। इसकी प्रूनिंग मैंने नहीं की थी तो आप देख सकते हैं कि इसकी ब्रांचेस हैं ऊपर की तरफ ही बढ़ रही हैं और ये उतना घना नहीं है जितना कि ये वाला है। इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं, मई जून के लास्ट में आपको इसके सीड्स इसके प्लांट से मिल जाएंगे, तो उससे भी आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। और अभी मैं इन तीनों ही पॉट की गोड़ाई कर दूंगी और प्रूनिंग कर दूंगी और फिर इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दूँगी और इसे बारिश ख़त्म होने के बाद ही मैं इसमें भी फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। और तो इस प्लांट की भी मैंने कटिंग कर दी है इस तरह से ये भी, और इसको मैंने इसी तरह से रहने दिया क्योंकि इसकी कटिंग मैं पहले कर चुकी हूँ। आप इन पिक्चर्स को देखिए, ये मेरे विंका के प्लांट की पहले की कंडीशन है और ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे थे और इनकी लीव्स भी आप देख सकते हैं कितने डार्क कलर की हैं। आई होप ये प्लांट पहले जैसा फिर से हो जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो मेरे चैनल पर नया है तो मेरी नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।